प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राकृतिक विज्ञान विषय बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रमुख राज व्यवस्थाएं के तहत ब्रिटिश संविधान का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसी का एक बिंदु है ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु। लिंड स्मिथ ने ब्रिटिश संविधान को संयोग और विवेक का शिशु कहा है। इस कथन को समझने से पहले हमें थोड़ी इसकी इतिहास की नजर डालनी पड़ेगी। ब्रिटिश संविधान कोई निर्मित संविधान नहीं है, ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है और उसका अधिकांश स्वरूप अलिखित है। ब्रिटिश संविधान लगभग 1400 वर्षों की लंबी विकास यात्रा का परिणाम है और इसको 1400 वर्षों के इस विकास यात्रा में देखेंगे कुछ संस्थाएं ब्रिटेन के संविधान का अंग है वो उसको संयोग से आई है और कुछ विवेक या बुद्धिमत्ता के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। इसलिए ब्रिटिश संविधान को लिंड स्मिथ ने संयोग और विवेक का शिशु कहा है। प्रोफेसर मुनरो ने भी लिंड स्मिथ के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि ब्रिटिश संविधान एक ही समय पर पूर्ण रूप से तैयार की गई वस्तु नहीं होता है, लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। सर विलियम एंसन ने भी ब्रिटिश संविधान की तुलना एक विशाल भवन से करते हुए जिसका निर्माण विभिन्न पीढ़ियों ने किया है विभिन्न युगों में, तो उन्होंने कहा है ब्रिटिश संविधान एक विलक्षण ढांचा है जिसके मालिकों ने समय समय पर इसमें खिड़कियां खंभे ड्योढ़ी और शिखर जोड़े। इसे तत्कालीन आवश्यकताओं और लोकाचारों के अनुसार सुधारा गया। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम है। अब हम ब्रिटिश संविधान के इस विषय को दो भागों में ले सकते हैं, ब्रिटिश संविधान में संयोग से विकसित होने वाली संस्थाएं, ब्रिटिश संविधान में विवेक से या बुद्धिमत्ता से विकसित होने वाली संस्थाएं। पहले हम लेते हैं ब्रिटिश संविधान में संयोग से विकसित होने वाली संस्थाओं को। ब्रिटिश संविधान में संयोग से विकसित होने वाली संस्थाओं में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, स्पीकर का पद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का विकास, ये सब संयोग का परिणाम है। 1295 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा एडवर्ड प्रथम ने नए करों को लगाने के लिए समाज के तीन प्रमुख वर्गों की एक सभा या बैठक बुलाई। उसमें सामंत वर्ग था, धर्माधिकारी वर्ग था और नगरों के प्रतिनिधि थे। इन तीनों वर्गों से कर प्रस्ताव का अनुमोदन करवाना था और इस बैठक में सामंत वर्ग और उच्च धर्माधिकारी वर्गों के हित एक समान थे। इन्होंने एक सभा बना ली, वो सभा आगे चलकर के लोकसभा बनी। दूसरा जो नगरों के प्रतिनिधि थे और छोटे धर्माधिकारी थे और नाइट्स होते थे, उन तीनों के हित एक समान थे, उन्होंने अपनी एक अलग सभा बनाई। उस वो सभा आगे चलकर के लोकप्रिय सदन या लोक सदन या कॉमन हाउस कहलाया। 1376 ईस्वी में स्पीकर के पद का भी विकास संयोग से हुआ, कोई व्यवस्था नहीं की गई, एक व्यक्ति को निर्वाचित किया गया और उसको ये जिम्मेदारी दी गई। फिर मंत्रिमंडल का विकास है वो भी ब्रिटिश संविधान में संयोग का परिणाम है। 17वीं शताब्दी से पहले हम देखें तो ब्रिटिश राजा को सलाह और सहायता देने की दो संस्थाएं थी। पहली थी विटमोट जो बुद्धिमानों की सभा थी जो आगे चलकर के धीरे धीरे संसद में बदल गई। दूसरी सभा थी क्यूरिया रेजिस जिसे साइट परिषद कहा जाता है जो नीति निर्धारण और सभी प्रशासनिक मामलों में राजा को सलाह और सहायता देती थी। सम्राट एडवर्ड VI के समय ये क्यूरिया रेजिस प्रीवी काउंसिल में बदल गई जो आगे चलकर के कैबिनेट में आई। 17वीं शताब्दी में अगर मंत्रिमंडल के विकास को देखें तो 17वीं सदी में प्रीवी काउंसिल है वो लगभग 50 सदस्यों की समिति बन गई थी, लेकिन इतनी बड़ी समिति से सलाह लेना राजा के लिए बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए राजा उस समय राजा चार्ल्स द्वितीय ने 5 व्यक्तियों का चुनाव किया जो राजा को 5 व्यक्तियों की एक समिति बना दी जो राजा को सलाह देते थे। वो 5 व्यक्ति थे क्लिफर्ड, आलिंगटन, बकिंगम, एसले और लॉडरडेल। इन 5 व्यक्तियों के नाम की प्रथम अक्षर से एक संस्था बनाई, एक समिति बनाई जो कबाल कहलाई। वो कबाल आगे चलकर के बेकन के शब्दों में
ईस्वी में विलियम तृतीय के समय एकदलीय मंत्रिमंडल का विकास हो गया जब उन्होंने विली गई दल को जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त था वो मंत्रिमंडल निर्माण का अवसर प्रदान किया और इस प्रथा का विकास हुआ कि मंत्रिमंडल का निर्माण उसी सदन से कॉमन सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा वही दल मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा। 18वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास 18वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास है वो और आगे बढ़ा और प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करने लगा। सर रॉबर्ट वॉल्कर ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 19वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल का विस्तार मताधिकार के विस्तार के साथ हो गया और लोकप्रिय सदन है वो और उत्तरदायी होता गया। ये दो तत्व ऐसे हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि सहयोग के परिणाम है सहयोग से विकसित हुए हैं। लेकिन ब्रिटिश संविधान में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिन्हें विवेक या बुद्धिमत्ता से विकसित किया गया है। पहला है निरंकुश राजतंत्र से सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। अगर इनमें हम देखें तो 1215 ईस्वी का मेघना कायदा 1628 ईस्वी का अधिकार याचना पत्र और 1689 ईस्वी का अधिकार पत्र इन तीन प्रमुख दस्तावेजों ने निरंकुश राजतंत्र को सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र में बदलने में मदद की है। दूसरा महत्वपूर्ण विवेक बुद्धिमत्ता का परिणाम था वैश्विक मताधिकार गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारंभ करना। सन 1832 1867 ईस्वी 1884 ईस्वी और 1918 ईस्वी में सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। 1929 के अधिनियम द्वारा इस मताधिकार के विस्तार को वैश्विक मताधिकार में बदल दिया गया और 21 वर्ष की आयु प्राप्त ब्रिटिश नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिल गया जो 1969 में जाकर के 21 वर्ष के स्थान पर वैश्विक मताधिकार की आयु को 18 वर्ष से कर दी गई। 1872 ईस्वी में ब्रिटेन में गुप्त मतदान प्रणाली लागू कर दी गई। 1948 में ब्रिटेन में बहुल निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर एकल निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था है वो प्रारंभ कर दी गई। तीसरा बिंदु है जो ब्रिटिश संविधान में विवेक या बुद्धिमत्ता का परिणाम है वो लोर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता। पहले लोर्ड सभा थी वो ज्यादा शक्तिशाली थी लेकिन समय के साथ साथ सुधार किया गया और लोर्ड सभा के स्थान पर लोक सदन या कॉमन सभा को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई। 1850 ईस्वी लगभग 19वीं सदी के मध्य तक लोर्ड सभा और लोक सदन से श्रेष्ठ थी ज्यादा अच्छी थी ज्यादा मजबूत थी लेकिन 1875 से 1900 की अवधि में लोर्ड सभा और कॉमन सभा की संख्या वो लगभग बराबर हो गई। 1911 और 1949 के अधिनियमों द्वारा लोर्ड सभा की शक्ति को सीमित कर दिया गया और कानून निर्माण के क्षेत्र में और वित्तीय क्षेत्र में कॉमन सभा की शक्तियों को बढ़ाने का अवसर दे दिया गया। ये ऐसी सत्ता थी जिसने लोकतंत्र को वास्तविक रूप से स्थान दिया। चौथा बिंदु है जो ब्रिटिश संविधान में विवेक या बुद्धिमत्ता का परिणाम है वो लोर्ड सभा की रचना में सुधार। पीएनएज एक्ट 1958 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लोर्ड सभा में 5 जूनियर और महिला मेयरों की व्यवस्था होगी। पीएनएज एक्ट 1963 द्वारा वंशानुगत मेयरों को यह अधिकार दिया गया कि वो भी अपना पद त्याग कर सकते हैं त्याग पत्र दे सकते हैं। पीएनएज एक्ट 2000 में यह प्रावधान किया गया कि वंशानुगत पीयर व्यवस्था है समाप्त कर देंगे जो वर्तमान में लोर्ड हैं वो चले आ रहे हैं वो चलते रहेंगे उनके जगह नए उनके उत्तराधिकारी वंशानुगत आधार पर नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। ब्रिटिश संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो संयोग से आई है लेकिन कुछ दूसरी ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जो बुद्धिमत्ता या विवेक का परिणाम है। तो आपके कथन लेटर स्पीति का है वो पूरी तरह सार्थक है क्योंकि इसमें संयोग और विवेक दोनों के तत्व हैं। विद्यार्थियों आज बताएंगे कल अगली क्लास में। धन्यवाद।